हाय हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ठीक हो। तो एक दिन हो गया जो कि मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई है, और कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप बहुत धीमे बोलते हो। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा तेज बोलूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैम आप इतना धीमे बोलते हो कि हमें वॉल्यूम बहुत तेज करनी पड़ती है, एंड देन हमें तब भी नहीं सुनाई देता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत तेज बोलूं ताकि आप बहुत अच्छे से मुझे सुन पाए। तो गाइस, अभी फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाने में, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी इशू हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। ओके, हम इंसान होते हैं, गलतियाँ होती हैं। जब हम फर्स्ट टाइम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली मिस्टेक होती हैं, लेकिन जो आपको सजेस्ट करता है वो बहुत, मतलब ये समझ लो कि वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि सभी अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन अगर आपको सजेशन दे तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि यस ही इज़ गुड गाई टू मी, ही इज़ गिव सजेशन एंड देन यू टेक इम्प्रूवमेंट इन योर यू सेल्फ। ओके, सो आज ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सिखाती हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम हमको कुछ सिखाओ, कुछ नया सिखाओ आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि मैं ब्यूटी टिप्स सिखाऊंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट, अपने ब्लॉग्स बनाऊंगी, कुछ भी बहुत सारे बनाऊंगी। तो जो भी जिसकी डिमांड होगी वैसे मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सबसे किया है प्रॉमिस और मुझे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। ओके, सुंदर, ज़्यादा देर करते हुए आज मैं बच्चों को, अपने बच्चों को सरप्राइज दूंगी कि ये कैसे बनता है फोटो फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? फोटो फ्रेम। बहुत अच्छा है, घर पे बहुत कम पैसे खर्च किए हुए आप एक कलर चार्ट लेके आ सकते हैं। और कैसे बनाते हैं आप इसको, मैं सारा बताऊंगी आप इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए, आगे का प्रोसेस आगे है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं। तो बटरफ्लाई मैं एक गोल्डन शीट लूँगी, आप इस तरीके से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद आप इसको यहाँ से भी कट कर देंगे। कट करने के बाद, कट करने के बाद इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस पे आप ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के, ये देखिए मैंने बटरफ्लाई का ड्राइंग कर लिया है। ओके, सो प्लीज़ देखिए, केयरफुली देखिए, मैंने ड्राइंग कर लिया है इसको। क्योंकि ड्राइंग करने से क्या होता है कि हम एक्यूरेट चीज़ों को कट करते हैं, एंड देन मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद जितने भी आपके स्मॉल किड्स हों, सिस्टर हों, ब्रदर हों, प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिए घर पे और सीखिए। मतलब मेरा मतलब वीडियो बनाने का यही इंटेंशन है कि कुछ भी चीज़ें सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ें सीख, क्योंकि आजकल बच्चे सीखते भी हैं और हर तरीके से सीखना भी चाहिए, हमें अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। और मैं कई सारे लोगों के से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि, और मैं स्कूल में भी ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों को देखिए, ये देखिए बटरफ्लाई, इट्स अमेजिंग बटरफ्लाई। ऐसे ही एक ग्रीन लेंगे, ग्रीन पीस लेंगे, ग्रीन और सॉरी येलो, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत सुपर्ब है, इसलिए मैं इसी तरीके से इसको भी ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करके फिर इसको कट करूँगी और कट कर, और ये देखिए ये अपनी येलो कलर की भी बटरफ्लाई बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर देखिए कितनी, देखिए मैंने इसको इसकी हेल्प से, गम की हेल्प से मैंने इसके ऊपर किया, गम लगाया, और फिर मैं इसको, ये देखिए इसको इस तरीके से मैं, इसको इस तरीके से मैं लगा दूंगी। देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा बटरफ्लाई का, ये देखिए, गेट इट, अमेजिंग ना। ये हमारी बटरफ्लाई बनके रेडी हो गई है, और प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसी लगी। अगर इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपसाइड देख सकते हैं, मैंने बना बना के घर पे लगाया है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हम कुछ भी कर सकते हैं घर पे। तो जैसे कि मैंने ये बटरफ्लाई,
और ये मैंने सॉरी ये मैंने फोटो फ्रेम और ये मैंने बटरफ्लाई बनाया है, ऐसे आप भी बना सकते हैं, अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। और काफ़ी सारा यूट्यूब उनको देख ही दीजिए ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें अगर आपको, तो आप भी ट्राई करिए प्लीज़, और मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसे बनाते हैं ये। इसको मैंने इसकी हेल्प से पहले हम पत्ती से स्ट्रिप कट करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे थोड़ी सी हेल्प से इसको हम ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये राउंड राउंड हो जाएगा। इसी तरह से हम फिर इसको फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पे फेविक्विक लगाएंगे, कलर लगाएंगे, फिर इसकी हेल्प से ही इसको पिंच कर देंगे। और इस तरीके से हम बहुत सारी स्टिक्स बना लेंगे। ये देखिए चार्ट है, ठीक है, क्योंकि चार्ट है ना सस्ता भी पड़ जाता है, बहुत सस्ता पड़ता है, और मैं तो सस्ती और टिकाऊ और अच्छी चीज़ें खरीदती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी हेल्प से ही है, फिर मैं इसको इसको तो भागों में इक्वल इक्वल लूँगी, इक्वल लेके फिर मैं इसको इसमें दो पार्टीशन हो जाएंगे और इजी हो जाएगा, दो पार्टीशन करके इनको फोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे ऐड करेंगे, मतलब इसको फेविक्विक से अभी ये अलग अलग है, फिर इसको थोड़ा सा गैप देके इसको यहाँ से ऐसे करके टच कर देंगे। Thank you.
हम इसके रोज़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा फिर फ्रेम तो बन के रेडी हो गया, अब हम बनाएंगे इसके फ्लावर ताकि इसमें एक अच्छा लुक आ जाए। इसको ऐसे कट करेंगे, पूरा इसको इस तरीके से कट करेंगे, राउंड 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 ऐसे कट करने के बाद ये हमारा ऐसे कट हो गया। देखिए ऐसे कट कट हो गया। अब इसको हम यहाँ से राउंड से फाइनली अब हमारा ये फोटो फ्रेम बन गया। देखिए लुक एट इट, लुक एट इट, कितना प्यारा लग रहा है ना। अब हम इसमें कोई भी फोटो पेस्ट कर सकते हैं। डन। अगर आपको ये सारी चीजें जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी। और जो भी जिस बारे में आप लोग बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।